Welcome to the Marix web point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material you can contact us at this number 0326559035. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from MTKit JSMB 2016 physics portion, and also have a look at some of the very simple and easy tricks to solve these MCQs. So let's begin. Here we are with very first MCQs. वो कहते हैं जी टू कैपेसिटर सी वन एंड सी टू आर इन सीरीज. ओके, दो कैपेसिटर्स हैं सी वन और सी टू, किसमें हैं? सीरीज में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये नोट कर लिया. हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है और पोटेंशियल डिफरेंस में 180 है, 180 वॉल्ट्स. कैलकुलेट हमें करना है चार्जेज ऑन सी वन एंड सी टू. अब हम इन सबको आपस में इंटर रिलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. सो हेयर यू कैन सी कि उन्होंने रिप्रेजेंट भी यहाँ पे किया हुआ है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चलूँ, ये एम सी क्यूज हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों नहीं ज़रूरत? और ये तो लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको बहुत जल्दी से और ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें खुद ही हिंट दे दिया है कि उन्होंने कहा था कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है जो दो कैपेसिटर्स हैं. और जब भी कोई भी जितने भी कैपेसिटर्स हैं, आइदर 5, 10 वट एवर, जितने भी वो सीरीज़ में कनेक्टेड है ना, तो उन सब में क्या होगा? सेम चार्ज होगा. तुम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने लाइक ये सी वन और ये सी टू का चार्ज दिया हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास ऑनली एंड ऑनली जो डी ऑप्शन है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि दोनों में सेम चार्ज है, तो हमें तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन को हम करेक्ट मार्क कर देंगे. कितना ये सिंपल है ना. तो इस तरह की जो ट्रिक्स आपने याद रखनी है. And for more such videos and tricks, must subscribe our channel and like the video. ठीक हो गया ना. तो हम देखते हैं कि इसका अगर हमारे पास ऐसे होता कि उन्होंने मोर देन टू ऑप्शन हमें ऐसे दिए होते कि जिसमें सेम कैपेसिटेंस होती, फिर तो ऑफकोर्स हमें फाइंड आउट करनी पड़नी थी. उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? Q इज इक्वल टू सी, जो कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देना हमने पोटेंशियल डिफरेंस से. बट द थिंग इज दैट वी डोंट हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन हियर, बट वी आर गिवन द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे सिंपली सीरीज में. क्या करते हैं, उनकी जो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस को हम सम अप करते हैं और हमारे पास क्या होती है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाती है. ठीक हो गया. और सो यहाँ पे 1/CEQ आएगा. और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इसको हम सारा सॉल्व करते हैं तो 4 माइक्रोफैराड आएगा. और सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑफकोर्स 720 माइक्रोकूलम. और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 10^-6. नेक्स्ट हम देखेंगे, वो कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर. ओके, इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर सच दैट द लेंथ डबल्स. हमने जो है लेंथ इंक्रीज की है, बस सिंपली याद रखना है कि एक वायर उसकी रेजिस्टेंस आर है और इसकी जो लेंथ है ना वो डबल हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है, 2L हो गई है. द स्ट्रेच्ड वायर विल हैव द रेजिस्टिविटी. इस चीज़ को आपने बहुत गौर से देखना. लाइक ऊपर वो बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की और पूछा उन्होंने हमसे क्या है रेजिस्टिविटी. सो दैट्स द थिंग, दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटीरियल प्रॉपर्टी होती है. वो एक मटीरियल की सेम ही रहती है किसी भी चीज़ पे, वायर के डिफरेंट डायमेंशंस पे वो डिपेंड नहीं करती. लेकिन अगर उन्होंने हमसे पूछा होता रेजिस्टेंस का, तो फिर हमने क्या करना था, लाइक फिर हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, आर इज टू रो एल ओवर ए. मतलब कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी किस पे, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे, फिर हमने बताया था. लेकिन यहाँ पे तो बहुत इन्होंने सिंपल हमारे लिए खुद ही कर दिया है. बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी. सेम रहेगी, पहले आर थी तो अब भी क्या होगा, आर ही रहेगी, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वायर. So have a look at one more example. Okay, then the SI unit of power is, okay, the joule, arg, oid, whatever, all these are units of energy. So we have no concern with these. जबकि जो वाट है ये यूनिट है हमारे पास पावर का. और ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि वाट किसके इक्वल होता है, जाउल पर सेकेंड के, और 1 अर्ज इक्वल होता है 10^-7 जाउल्स के. Have a look at one more MCQ. वो कहते हैं an orange is dropped from the top of the tower. ठीक हो गया. इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू हिट द ग्राउंड. टाइम हमारे पास आ गया 10 सेकेंड्स. फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ द टावर. हमारे पास टी और एच आ गया है. अब हम लाइक सॉरी, हमारे पास टी आ गया टाइम, हमें एज फाइंड आउट करना है. ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको लाइक हम लोग यूज़ करके
हाइट फाइंड आउट कर सकते हो, और हमारे पास गिवन सिर्फ टाइम है, तो अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दें तो हमें पता लगेगा ये वाला जो फॉर्मूला एज इज इक्वल टू 1/2 GT² तो इसको यूज़ करते हुए हमारे पास टाइम तो है। पहले हम सिंपली क्या करेंगे, 10 यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, जी की हमें पता है 9.8, और 1/2 जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 490 meters। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।